हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। इसका जो बेसिक है वो अपने इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन हेयर सम फिगर्स। तो देखिए, आपको ये फिगर्स गिवन है और क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, मतलब इनको क्लासीफाई करना है। सबसे पहले अपने देखेंगे जो ए है, सिंपल कर्व। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल कर्व वो होते हैं जो सीधा सीधा सिंपली जो शेप होती है क्लोज होती है, जैसा कि 1। नेक्स्ट जो आपकी सिंपल कर्व है 2, उसके बाद देखिए 5, देन 6 एंड 7। ये क्या है आपके सिंपल कर्व। और सिंपल क्लोज कर्व भी वही कि जो सिंपली क्लोज है। अब देखिए, अगर अपने 3 की बात करें, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक और सर्कल है। सो बी की बात करें तो उनके लिए भी ये सेम ही हो जाएंगे, 1, 2, 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सी, पॉलीगन की। तो पॉलीगन देखिए, पॉलीगन क्या होता है, क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट, मतलब वो फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है, क्लोज फिगर। तो सबसे पहले देखिए, लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बना हुआ है 1। नेक्स्ट अपने बात करें 2, ये भी क्या देखिए, सिंपल लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज फिगर है, तो ये क्या है अपना, एक पॉलीगन है। और अगर 4 की बात करें, ये भी देखिए सिंपल एक, ये है अपना एक पॉलीगन। नेक्स्ट देखेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। तो देखिए, कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी, कन्वेक्स और कनकेव के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि कन्वेक्स कौन सा होता है और कनकेव कौन सा होता है। तो देखेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन जिसके जितने भी एंगल्स होते हैं, देखिए 4 एंगल्स हैं, इनकी जो वैल्यू है 180 डिग्री से अगर कम है तो ये कन्वेक्स हो जाएगा। और कनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जितने भी एंगल हैं 180 से ज़्यादा हों, मोर देन 180 हों, तो वो क्या हो जाता है आपका, कनकेव पॉलीगन। तो देखिए, डी की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर जो फिगर 2 दिख रहा है आपको, ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है। और ई की बात करें कनकेव की, तो यहाँ पर देखिए इस फिगर के अंदर जो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, इट इज़ मोर देन 180, सो फिगर 1 इज़ कनकेव पॉलीगन। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 के अंदर देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। तो देखिए, सबसे पहले डायगोनल की जो डेफिनेशन थी मैंने आपको बताई थी, वो लाइन जो कि नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स जो होते हैं, वर्टिक्स होते हैं, उनको मिलाने से बनती है, उसे बोलते हैं डायगोनल। तो देखिए, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले अपने इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये फिगर दे रखा है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसके जितने भी एंगल हैं, ये आपके 4 एंगल्स हैं, लेस देन 180 हो तो वो हो जाता है आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर देखिए, ए के लिए जो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट है वो क्या है, सी। बी के लिए है डी, सी के लिए ए है और डी के लिए बी है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ही डायगोनल बनेंगे, ए सी एंड बी डी। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का 2। अब बात करते हैं इरेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स होनी चाहिए। तो देखते हैं 6 साइड्स के लिए, डिनोट करते हैं इसको ए बी सी डी ई एन एफ। तो देखते हैं ए के लिए, तो यहाँ से ए के देखिए एफ और बी क्या हैं, इसके कंसेक्यूटिव साइड्स हैं। ए को अपने मिलाएंगे ई से, ए को मिलाएंगे डी से और ए को मिलाएंगे सी से। तो ये हो गए आपके 3 डायगोनल्स, तो ये हो गए। फिर अपने बी की बात करें तो ए और सी इसके लिए क्या हैं, कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। तो अपने देखते हैं, बी के लिए एक तो हो गया आपका एफ, बी के लिए हो गया ई और बी के लिए हो गया डी, 3 ये हो गए। उसके बाद अपने सी से बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सी के लिए जो बी एंड डी है ये क्या हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव, और ए ई एंड एफ ये क्या हो जाएंगे, नॉन कंसेक्यूटिव। तो सी से देखिए ए तो ऐड ही है, अब अपने एफ से इसको
ज्वाइन करेंगे और ई से ज्वाइन करेंगे। अब डी के साथ देखिए एक एफ है, तो तीन डायगनल्स और, मतलब टोटल जो आपके डायगनल हैं हेक्सागन के अंदर होते हैं 9। अब अपने बात करें ट्रायंगल की, तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब यहाँ पर देखिए ए के लिए जो कंसेक्यूटिव वर्टिक्स हैं वो बी एंड सी हैं, बी के लिए ए एंड सी हैं और सी के लिए ए एंड बी है। तो डायगनल की जो डेफिनेशन है उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा, सो ये जो ट्रायंगल के लिए नंबर ऑफ डायगनल हो जाएंगे 0। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।